हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। NICL AO 2021 का जो नोटिफिकेशन निकला है, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, उसमें एक क्वेरी आ रही है इसको लेके, आपके बॉन्ड को लेके। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे बता दूं कि इसमें जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट दिया हुआ है, 1 ईयर प्रोबेशन है। उसके बाद एक एग्जाम से गो थ्रू होना पड़ेगा, इंश्योरेंस से कि इनकी खुद के NSL के एग्जाम हो, उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, उसको पास करना। जो बच्चे पास नहीं कर पाए उनको 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन, जो 1 ईयर है इनिशियली आपका प्रोबेशन, बट अगर क्लियर वो एग्जाम क्लियर होगी वेल एंड नहीं हुई तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए आपका एक्सटेंड हो जाएगा, और मैक्सिमम 2 बार एक्सटेंड हो सकता है। मतलब जो 1 साल का प्रोबेशन है वो 2 साल तक जा सकता है, बट कंडीशन वही है, 2 साल होने से प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा, एग्जाम फिर भी क्रैक करनी पड़ेगी, नहीं हुई तो सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड जो बॉन्ड है अभी आपके स्क्रीन पे जैसे ओपन हुआ है, गारंटी बॉन्ड, ये मैंने नोटिफिकेशन इनका ऑफिशियल है वही ओपन कर रखा है। इसमें देखिए क्या दिया है, बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव इन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी for a minimum period of 4 years including probation period in the event of their resigning from the company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation, which could be proportionately reduced depending on the length of the सर्विस रेंडर्ड। अब इसमें क्या दिया है कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, राइट, और वो किस चीज़ के लिए, कि भाई मैं कम से कम 4 साल इस कंपनी के साथ काम करूँगा, और उस 4 साल में वो 4 साल आपके शुरू हो गए जैसे ही आपने कंपनी को ज्वाइन किया उसी दिन से, प्रोबेशन पीरियड उसी में। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया, अगर इस पीरियड से पहले बोर्ड पीरियड हो गया 4 ईयर, 4 ईयर से पहले अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल की जो सैलरी थी प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी मिली वो आपसे वो रिम्बर्स आपको करनी पड़ेगी, मतलब उसको इंश्योरेंस कंपनी को आपको देनी पड़ेगी जो सैलरी आपने। तो ये है आपका, अगर आपने जस्ट प्रोबेशन क्लियर करते ही जॉब छोड़ दिया, ये एक तरह से आपकी मैक्सिमम पेनल्टी हुई, 1 ईयर सैलरी जो आपने ड्रॉ की NICL से ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड। लेकिन जस्ट अगर आपने इस प्रोबेशन पीरियड में के बाद नौकरी छोड़ी, जैसे प्रोबेशन के बाद में मान लो आपने, आपको प्रोबेशन के बाद 3 साल और करनी थी, अगर आपने 3 साल नौकरी कर ली और तो आपको कुछ भी देना नहीं है, लेकिन ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होता जाएगा। जैसे आपने 2 साल जॉब कर ली, 1 साल प्रोबेशन, 2 और, तो जो आपने जितना पे करना था उससे 1/3 आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, 2/3 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर प्रोबेशन के बाद 2 साल तक आपने जॉब कर लिया तो आपको 2 साल तक कर लिया तो 2/3 देना पड़ेगा, या 2/3 रिम्बर्स हो जाएगा, 1/3 आपको देना पड़ेगा, और अगर आपने 3 साल कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये है प्रोपोर्शनल, मतलब आपका प्रोबेशन के बाद 3 साल का इन्होंने पीरियड दिया है, राइट। और इसमें एक चीज कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये आई थिंक अंडरस्टूड है कि जिन बच्चों का प्रोबेशन 1 ईयर में क्लियर नहीं हुआ और उनको लग गए प्रोबेशन में 2 साल, तो उनके लिए ये सैलरी भी 2 साल की हो जाएगी, फिर उनके लिए जो पेनल्टी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि जो आपको मिला है प्रोबेशन पीरियड में, और प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 1 ईयर है, जो बच्चे क्वालिफाई उस एग्जाम को नहीं कर पाएंगे तो 2 साल तक, 1 साल एक्सटेंड और हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लियर कट दिया है कि दे विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेज इक्वलेंट टू 1 ईयर ग्रोस सैलरी पेड टू देम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन, विच वुड बी प्रोपोर्शनल। 1 ईयर ही है, चलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल जरूर है भाई, अगर ये 1 ईयर है बट 1 ईयर इन्होंने प्रोबेशन माना है, बट जिनके लिए 2 ईयर प्रोबेशन हुआ उनके लिए क्या रहा। ओके, 1 सेकंड आगे चलते हैं। बिसाइड्स
ही विल हैव टू सबमिट। अच्छा एक ये इन्होंने कहा है कि जैसे एक तो आपको अंडरटेकिंग देनी है, साथ ही भाई ये पैसा जैसे आपको एक साल में इन्होंने जो भी 7 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का, जो भी पेमेंट 10 लाख का, जो पेमेंट इन्होंने किया, उसके गारंटी के लिए 2 लोगों से और आपको बॉन्ड दिलवाने पड़ेंगे जो कि आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होंगे। आपसे तो ये अंडरटेकिंग लेंगे लेंगे, साथ ही 2 बंदों से और स्टाम्प्ड बॉन्ड ये लेंगे कि भाई ये जो अगर ये रिजाइन कर देता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड, भी 4 साल से पहले, तो जो पैसा इससे रिमबर्स करना है उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। यही दिया है इसमें, स्टाम्प्ड बॉन्ड ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाई 2 श्योरिटीज नॉट ब्लड रिलेटिव्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग फॉर एन अमाउंट इक्वलेंट टू 1 ईयर्स ग्रोस सैलरी। आई थिंक ये सैलरी जो है ये तो 1 ईयर ही है, जिनका प्रोबेशन 2 साल हो गया उनके लिए भी कहीं मेंशन नहीं है, तो 1 साल ही बांध के चले इनको। कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लाइबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस इन द कंपनी इन एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ 25,000 टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। मतलब अगर उसी में आपने विदिन आपने छोड़ दिया, जैसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही छोड़ दिया, 6 महीने बाद छोड़ दिया, तो 3 या 6 महीने में जो भी आपको पैसा मिला वो भी देना है, प्लस 25,000 ट्रेनिंग पीरियड का भी देना है, राइट। और अगर आपने पूरा प्रोबेशन के बाद आप छोड़ रहे हो तो पूरे 1 साल का आपको देना है। प्रोबेशन पीरियड सेल बी लाइबल टू पे सेल ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड सैलरी रिसीव्ड बाई देम ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस इन द कंपनी। मतलब अगर आपने 3 महीने में छोड़ दिया तो आपके ऊपर इसका मतलब साल भर की पेनल्टी नहीं है उन बच्चों के लिए, उनके लिए वो है कि 3 महीने में 2 जो आपने लिया प्लस से 25,000। लेकिन अगर आपने प्रोबेशन पूरा कर दिया तो पूरे 1 साल की सैलरी आपसे। लेकिन अगर आपने जैसे जैसे सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस भाई आप प्रोबेशन के 3 साल बाद में आपको कुछ नहीं देना, तो 3 साल का प्रोपोर्शनेटली कम होता जाएगा, राइट। भाई 3 साल का इसका मतलब 1 ईयर का या 12 मंथ्स का 33.33% रिडक्शन आता जाएगा। और क्या दिया है, नो बॉन्ड एग्जीक्यूटेड टू रिटर्न। हाँ एक और दिया है इन्होंने कि अगर जैसे जो बच्चे ऑलरेडी किसी जॉब में है और उस पहले जो प्रीवियस आपकी जो भी कोई कंपनी है उसके साथ किसी टाइप का कोई बॉन्ड है या वहाँ का कोई आपका किसी टाइप का पेमेंट या आपके जैसे पेंशन का पैसा या इन सब के लिए ये लाइबल नहीं है। इसने दिया कि सबसे पोस्ट विद प्रेजेंट एम्प्लॉयर विल बी बाइंडिंग अपॉन द कंपनी एंड नो लीव सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन विल बी मेट, राइट। मतलब पीछे की किसी भी तरह की लाइबिलिटीज के लिए इंश्योरेंस जो NICL है ये लाइबल नहीं होगा, एक ये चीज दी है इसमें गारंटीड बॉन्ड में। तो आप नेट सेल में अपने मान के चले तो 1 ईयर प्रोबेशन है, जो बच्चे एग्जाम ये और ये मान के चलिए कि एग्जाम का लेवल कोई ऐसा नहीं होता होगा कि आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो वो 1 ईयर का प्रोबेशन है। और अगर आप विद इन प्रोबेशन छोड़ते हैं तो आप जिस वक्त भी जैसे आपने 6 महीने में छोड़ा तो 6 महीने की सैलरी प्लस 25,000 आपकी पेनल्टी है। पेनल्टी के लिए आपसे भी एक अंडरटेकिंग बिगनिंग में ले लेंगे, 2 श्योरिटीज ले लेंगे, उनसे बॉन्ड ले लेंगे, स्टैम्प्ड बॉन्ड, राइट, जो फाइनेंशियली साउंड भी होंगे। मतलब फाइनेंशियली साउंड इतने नहीं कि उनको कोई करोड़ों रुपए पे करने, 1 ईयर मैक्सिमम है पेनल्टी। तो आप जो भी 1 ईयर का जो आपको पेमेंट हुआ है उसको रिम्बर्स करने की पोजिशन में वो लोग हों दो, और ब्लड रिलेटिव भी ना हो, राइट। और अगर आपने पूरा कंप्लीट करके प्रोबेशन और फिर आप रिजाइन कर रहे हैं, या कंपनी भी अगर आपको किसी आपकी वजह से टर्मिनेट सर्विसेज से कर देती है, तब भी आप पर ये पेनल्टी इम्पोज होगी। ले चाहे आप छोड़ के जाएं या कंपनी आपको निकाले, दोनों ही कंडीशन में पेनल्टी एक जैसी है, राइट। और जैसे जैसे आप की लेंथ ऑफ सर्विस से आफ्टर प्रोबेशन बढ़ती जाएगी, मतलब अगर आपने 36 मंथ्स कर लिया तो आपकी 0 पेनल्टी है, और 0 to 36 को आप पे 0 to 100 ले जाइए, उसी तरीके से ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होती जाएगी। तो ये कुछ इसमें दिया था, कुछ बच्चों को शायद इसमें डाउट था, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पे, मैं और क्लेरिफाई कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।